मेरी लेजर स्लाइस आइस क्यूब्स हैं। हर बार बिल्कुल एक ही साइज की होती हैं। और मेरी दो फेवरेट लेडीज के क्या हाल हैं? फ्रैंकी, क्या तुमने आना को सिकेडस के प्री लेवल स्टेजेस पर अपनी स्कूल रिपोर्ट के बारे में बताया? डैड, उसके बारे में कोटी भी नहीं सुनना चाहता। फ्रेंजी, मैंने एंटोमोलॉजी पढ़ी है, इसीलिए मैं बहुत बढ़िया। देखो, तुम दोनों में इंसेक्ट एग्स कॉमन है और साथ ही चॉकलेट मिल्क आना को भी ये पसंद है। फ्रैंकी, एज्रा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल। ओ, ओ, सैंडविचेस, उन्हें तो मैं भूल ही गया। मैं अभी आता हूँ। डॉक, मैं अब तक नहीं समझा कि आपको मेरी यहाँ क्या जरूरत है। कहीं आपको सैंडविच तो गर्म नहीं करवाने हैं? ओह, ये क्या, मैं अपनी खास रेसिपी मस्टर्ड तो भूल ही गया। उसके बगैर बढ़िया सैंडविच नहीं बन सकता। अभी आता हूँ, बाय। ओह एज्रा, डैडी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे डैड को मस्टर्ड इतना पसंद है। इतना पसंद नहीं है, वो सिर्फ चाहते हैं कि हम दोनों दोस्त बने। मैं तुम्हें कैसी लगी? अच्छी। फ्रांसिन, तुम जानती हो मैंने वाकई किकेडस की पढ़ाई की थी, इसलिए मुझे खुशी होगी अगर मेडे, हम डूब रहे हैं। कौन है, तुम कहाँ हो? हेलो, मुझे उनका सिग्नल नहीं मिल रहा। फ्रांसिन, तुम रेस्क्यू टीम से कॉन्टेक्ट कर सकती हो? मैं किसी से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही, मेरे होलोकॉम में कुछ दिक्कत हो रही है। तो फिर हमें खुद उन्हें बचाना होगा। सिग्नल के हिसाब से उन्हें बिल्कुल यही होना चाहिए। फ्रांसिन, प्लीज केबिन के अंदर रहो और छुपी रहो। क्यों, यहाँ तो कुछ नहीं है। इसीलिए खाली डॉक, ना शिप और एक अजीब सा इमरजेंसी मैसेज। क्या हो रहा है ये पता चलने तक तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। हेलो, कोई है? मुझे तुम्हारा इमरजेंसी मैसेज मिला, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बड़ी मेहरबानी जो आप आए, पर अफसोस मदद की जरूरत तुम्हें पड़ने वाली है। सोए थे चार बॉज कहीं पर, चार सालों बाद नई जगह पर, बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो की रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। तुम जो भी हो, मैं यहाँ एक डूबती शिप का इमरजेंसी मैसेज पाकर मदद करने आई हूँ, तुमसे बात करने नहीं। यहाँ कोई डूबता शिप नहीं है, सिर्फ एक जाल है जो मैंने तुम्हारे अलावा किसी और के लिए बिछाया है। और जहाँ तक सामने से हटने की बात है, क्विंट क्वारी ऐसा नहीं करता। अब बताओ कहाँ है डॉक्टर ग्रीन? मैं यहाँ शिप से बिल्कुल अकेली आई हूँ। माफ करना अगर जो तुम्हारी बात पे यकीन ना करूं। क्यों ड्रोन, शिप की तलाशी लो। लगता है तुम्हें शक करने की बीमारी है कॉरी, तो अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्या है, फिलहाल मैंने इरादा बदल लिया है। ड्रोन्स, हमारे नए मेहमान को रहने की जगह दी जाए। तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दो मुझे। उम्मीद है आप मस्टर्ड लेकर वापस आ रहे होंगे डैड, क्योंकि हम मुसीबत में फंस गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आना और फ्रैंकी की एक साथ पहली पिकनिक जबरदस्त हो, और पिकनिक परफेक्ट नहीं हो सकती बगैर। इस परफेक्ट मस्टर्ड के। बढ़िया डॉक। अच्छा, तो ये है हमारे वक्त का सही इस्तेमाल। पर मुझे लगा कि वो लाल चीज मस्टर्ड थी। नहीं ब्लेड्स, वो केचप है। मुझे बताया गया था कि इंसान इसे हॉट डॉग्स पर डालते हैं, शायद जानवर को ठंडा करने के लिए। अब मुझे वापस जाना चाहिए इससे पहले कि मेरा पिकनिक लंच पिकनिक डिनर बन जाए। हाँ, ओह,
अब ये क्या है? गुड डे डॉक्टर ग्रीन, मैं आपके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओह देखो तो, ये तो वही छोटा बहादुर लड़का है। वो हमें देख सकता है? क्या हम पहले मिले हैं मिस्टर? कर्नल क्विंट क्वारी, और आप मेरी मेहमान को तो जरूर जानते होंगे। आना, तुम कहाँ हो? और फ्रैंकी? वो लैब ना? सॉरी एज़रा, मुझे पता है कि मुझे अकेले उसे नहीं ले जाना चाहिए था, और अब ये मिस्टर क्वारी मुझे छोड़ नहीं रहा है। मैं ये गारंटी देता हूँ कि मुझे जो चाहिए अगर वो मिल गया तो प्रोफेसर तुम्हारे पास सही सलामत लौट जाएगी। और वैसे तुम चाहते क्या हो? बस एक छोटा सा एहसान। कुछ वक्त पहले अपने बेहद स्पेशलाइज्ड हंटिंग बिजनेस के लिए मैंने आपका एक रोबोट डायनासोर लेने की गलती की थी। फिर उसने और आपकी बनाई दूसरी चीज ने मेरा आधा आइलैंड और मेरा पूरा बिजनेस जड़ से खत्म कर दिया। मेरी बनाई चीज ने? लेकिन कर्नल, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ओ बेशक डॉक्टर ग्रीन, मुझे यकीन है कि ऐसे बहुत से दूसरे ग्रिफिन रॉक साइंटिस्ट्स हैं जो रोबोटिक रेप्टिलियंस बना रहे हैं, और वो जायंट बॉट्स मेरे ख्याल से आपने ही बनाए हैं ना? या फिर कहीं वो आसमान से तो नहीं टपके थे? ओ वो मैं नहीं नहीं, आप ही उन डायनोबॉट्स की वजह से हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं, और आप ही उसकी भरपाई करेंगे। वैसे दो और डायनोबॉट्स बनाकर जिन्होंने मेरे आइलैंड को तबाह कर दिया था, और साथ में तीन और वही डायनोबॉट्स की टीम मेरा बिजनेस फिर से खड़ा करने में मदद करे। बस वो मिलते ही आपकी कलीग आपको वापस मिल जाएगी। अपना ऑर्डर ले जाने के लिए मैं 12 घंटों में अपना हेलीजेट भेज दूंगा, और आपको अकेले आना होगा। हमें ये तो पता चला कि प्रोफेसर बैरानोवा सेफ हैं। क्वारी उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा जब तक उसका काम नहीं हो जाता। लेकिन मैं उसे वो नहीं दे सकता। और फ्रैंकी का क्या हुआ? प्रोफेसर ने चालाकी से हमें बताया कि फ्रांसिन सही सलामत है। ऐसा लगा कि क्वेरी को पता भी नहीं है कि वो वहाँ है। हमने इसकी शुरुआत की थी, हम ही इसे सही करेंगे। हम उसके आइलैंड पर हमला कर देते हैं, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। केट, हमें ये भी नहीं पता कि वो आइलैंड कहाँ है। मेरे मैप में लैब की आखिरी लोकेशन के नजदीक कुछ भी नहीं दिख रहा है, और मुझे भी डेटाबेस में कुछ नहीं मिला। आना और फ्रैंकी को वापस लाने का एक ही रास्ता है, क्वारी को वो डायनोबॉट्स देना जो मेरे पास है ही नहीं। माफ कीजिएगा डॉक्टर, आपके पास अब भी डायनोबॉट्स नहीं है। जब मैंने सुना कि ये डायनोबॉट्स का मामला है तो मैंने असली डायनोबॉट को बुला लिया। मुझे चीफ ने जो बताया है उससे लगता है कि इसे करने का बढ़िया रास्ता है कि मुझे और बोल्डर को हमारे डायनो फॉर्म्स में क्वारी को दे दिया जाए, और वहां पहुंचने पर हम दूसरों को छुड़ा लेंगे। लेकिन क्वारी 5 डायनोबॉट्स मांग रहा है, हमें और 3 की जरूरत है। मैं भी डायनो फॉर्म में जा सकता हूँ, सारा मजा तुम अकेले ही क्यों लो। चेस, तुम्हारे साथ ना जाना रेस्क्यू बॉट की कसम तोड़ने वाली बात होगी। ब्लेड्स, हम जानते हैं कि तुम बहादुर हो, लेकिन मदद करनी है या नहीं ये फैसला तुम्हारा होगा। हालांकि ये ऐसा काम है जो बम्बल बी भी कर लेगा। अच्छा ठीक है, मैं करूँगा, लेकिन इस बार मुझे कोई भी उड़ने वाली चीज नहीं बनना। फिर से ये तो चीटिंग है। एनर्जॉन पैचेस तैयार हैं ऑप्टिमस। इस बार डायनो के हंगामे नहीं चलेंगे। बहुत बढ़िया, जब तक हमारे एनर्जॉन लेवल स्टेबल रहेंगे हम अपने डायनो मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वोल्डा, तुमने अपने साथियों को नया फॉर्म लेने के लिए तैयार कर लिया है? हम हमेशा तैयार रहते हैं। रेस्क्यू बॉट्स, स्कैन एंड ट्रांसफॉर्म। वाह, ये डायनो और मैं तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं। ओह, अजीब है, पर जितना सोचा था उतना बुरा भी नहीं है, और ये बड़े काम भी आ सकता है। हाँ, पिछली बार ये ट्राई करने का मौका नहीं मिला, काम की चीज है। ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। शांत हो जाओ ब्लेड्स, क्या तुम हेलीकॉप्टर मोड ले सकते हो? मेरा टीकॉग, जरूर उसे कुछ हो गया होगा।
मैं बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ। नए फॉर्म्स लेने से, खासकर बायो ऑर्गेनिक फॉर्म्स लेने से तुम्हारी ट्रांसफॉर्म होने की काबिलियत पर असर पड़ सकता है। आराम और वक्त के साथ तुम्हारा टीकॉक पहले जैसा हो जाएगा। कौरी किसी भी वक्त आ सकता है, बेहतर होगा कि हम लोडिंग डॉक में पहुँचे। ये अच्छा नहीं हुआ, मुझे यकीनन ये नहीं चाहिए था। मैं फिर कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाऊंगा और मैंने प्लान भी चौपट कर दिया। शायद कुछ ढीला पड़ गया हो, मैं तुम्हारे डैश के नीचे चेक करूं। मुझे बताना अगर तुम्हें हरे धब्बे नजर आए, ओ या लाल धब्बे, लेकिन नीले नहीं हैं। अगर तुम्हें नीले धब्बे दिखे तो मुझे बिल्कुल भी मत बताना। हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। गुड लक डॉक। पांचवें डायनो के बारे में आपको कोई बहाना बनाना पड़ेगा। ऑप्टिमस, मुझे यकीन है तुम हर किसी को सही सलामत वापस लाओगे। ये मेरा वादा है। ब्लेड्स, छुप जाओ। वही आ गया। लाइट किसने बंद कर दी? चुपचाप खड़े रहो और किसी डायनो जैसा दिखने की कोशिश करो। लेकिन हीट वेव। बहुत देर हो चुकी है, मैं बगैर किसी को दिखे बाहर नहीं आ सकता। फिक्र मत करो, उनके जाने के बाद मैं उतर जाऊंगा। क्वारी, प्रोफेसर बारानोवा कहाँ है? तुमने वादा किया था कि तुम उन्हें लाओगे और मेरे प्यार, मेरी लैब को भी। और आपने मुझसे 5 डायनोबॉट्स देने का वादा किया था। वैसे इसमें क्या खराबी है? ये अभी अधूरा है, लेकिन पूरा होने वाला है, मैं वादा करता हूँ। बहुत बढ़िया, तो चलिए आप मेरे साथ चल रहे हैं डॉक्टर ग्रीन, और इसे वहीं पूरा कीजिएगा। काम पूरा होने के बाद मैं आपकी कलीग और आपकी तैरती लैब वापस कर दूंगा। क्यों ड्रोन्स, उड़ने की तैयारी करो। चलो फिर मैं भी चलता हूँ। हमें फायर हाउस वापस जाना चाहिए। होडी, मैं चाहता हूँ कि तुम। होडी कहाँ है? वो आपके साथ नहीं है? मैंने उसे ब्लेड्स में बैठते देखा था, लेकिन मुझे लगा कि वो। ओ नहीं, कोडी। डॉक्टर ग्रीन, आखिर मेरे आइलैंड पे आ गए। कहाँ है प्रोफेसर बारानोवा और कहाँ है मेरी लैब? अपना सामान टेस्ट करने के बाद आप उन्हें देख सकते हैं। मेरे क्लाइंट्स को खराब सामान पसंद नहीं आता। तुम उन्हें बेचने वाले हो? क्योंकि उससे होने वाले फायदे से अपना हंटिंग बिजनेस दोबारा खड़ा करना है। ड्रोन्स, पूरे हो चुके डायनोस को लेकर आओ, और मेरी सलाह मानिए, आप अपना आखिरी डायनो जल्द से जल्द पूरा कीजिए। लेकिन मेरे पास ना औजार है ना ही जरूरी सामान। आपको यहाँ हैंगर में जो मिले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई होशियारी नहीं। ऑप्टिमस, हम कुछ करते क्यों नहीं? अभी नहीं, अगर हमने जल्दबाजी दिखाई हम दूसरों को खतरे में डाल सकते हैं। अब क्या करूं? मेरे पास और डायनोबॉट नहीं है, और फ्रैंकी और आना कहीं भी हो सकती है। आपका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन एक और छोटी सी दिक्कत हो सकती है। कोडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत लंबी कहानी है डॉक। तुम्हारा कॉम लिंक, हम कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रैंकी और। यहाँ लैंड करते ही मैं कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन कोरी ने जरूर कम्युनिकेशंस जाम कर रखे हैं। हम ढूंढना शुरू भी करें तो कहाँ से? काश हमारे पास कोई हीट सीकिंग डिवाइस होता। कोरी ने कहा था फिंगर में से कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुई ना बात, अब आएगा असली मजा। फ्रांसीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टडा! मैं ये पाइप नीचे करूंगी और आप ऊपर चढ़ जाना, बहुत आसान है। फ्रांसीन रुक जाओ। तो शायद तुम सब्र नहीं कर पाती है ना? नहीं। कोडी के कॉम टैप से सिग्नल आने लगभग यहाँ बंद हुए।
तो अगर मैं कॉम्टैप की ट्रेजेक्टरी आगे प्रोजेक्ट करता हूँ फिर कितनी दूर तक जैमिंग सिग्नल्स फैल सकते हैं उस हिसाब से क्वारिका आइलैंड यहीं कहीं नजदीक होगा। यहाँ चलो उसे पकड़ते हैं। लो मैंने पहले ही एक्सटर्नल अलार्म्स बंद कर दिए थे इसलिए किस्मत से तुम्हारे रेस्क्यू ने ज्यादा ध्यान नहीं खींचा। माफ करना प्रोफेसर, मैं बस दिखाना चाहती थी कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसकी आपको फिक्र करनी पड़े। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती फ्रांसीन, तुम एक कमाल की लड़की हो। बात सिर्फ ये है कि 28 साल समुंदर के नीचे अकेले रहने के बाद मैं नहीं जानती कि मैं एक अच्छी टीम प्लेयर हूँ या नहीं। मैं भी नहीं, हमेशा सिर्फ डैड और मैं साथ रहे हैं, मैं कभी किसी और के साथ नहीं रही। तो ठीक है, शायद हमें एक एक करके कदम बढ़ाना चाहिए। पहला कदम है मुझे एना कहो, दूसरा कदम मुझे फ्रांसीन कहना बंद करिए, और तीसरा हम निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। हम उन ड्रोन से बचकर कैसे जाएंगे? अच्छा बताओ तुम्हारी हॉलो वॉच काम कैसे करती है? ऐसे लाइव डेमोंस्ट्रेशन का क्या फायदा जिसमें उनकी बचाव की काबिलियत ही ना दिखाई जा सके। ऑप्टिमस नहीं, नहीं 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 नहीं, उस बेवकूफ साइंटिस्ट ने क्या बनाया है? मैं ऐसे क्रीचर कैसे बेच सकता हूँ जो एक दूसरे पर हमला करते हो और फिर एक दूसरे को दफन करते हो? ओह यस, रुको, लेकिन ऑप्टिमस वो वहाँ अंदर है। हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, हम अभी रेस्क्यू बॉट्स नहीं हैं, याद है ना? लेकिन उन्होंने चेस को बचाया था। पर मुझ पर हमला करने का बहाना करके हम उनके हिसाब से चलेंगे और दिखावा करते रहेंगे कि हम खूंखार जानवर हैं। तब तो ठीक है। यो हीट वेव, हमला करो, हम ऑप्टिमस तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाएंगे। बढ़िया तरीका है और मुझे चैलेंज मंजूर है। अब मैं हमला करूंगा। कई पैसे पानी में, मेरा फायदा, मेरा फायदा हो रहा है। चलो चलो जाओ, लड़ो लड़ो। सुना उसने क्या कहा, चलो आगे बढ़े। तो मेरी राय में इस नाटक के साथ हम उसे भी खत्म कर देते हैं। बिक गया, ज्यादा कीमत देने वाले को। बहुत अच्छे रेस्क्यू बॉट्स, और थैंक यू। अब कोरी को दिखाते हैं कि हम रोज क्या काम करते हैं। एम्बर ड्रोन, इन बेवकूफ जानवरों को रोक लो इससे पहले कि ये किए किराए पर पानी फेर दे। क्या बात है, सबको इसमें भर दो और मेरे डॉक पर ले जाओ। इन्हें यहाँ से भेजते ही मैं खुद डॉक्टर ग्रीन से बात करूंगा, आखिर उन्हें छोड़ने की शर्तें जो बदलनी हैं। हमने कर दिखाया, बहुत अच्छी प्रोफे एना। चलो अब इस बेकार आइलैंड से निकलकर वापस घर चलते हैं। लगता है कौरी है, यहाँ से चलो। ये गॉगल्स थोड़े पुराने जमाने के हैं, लेकिन मुझे इस शेड में दो हीट सिग्नेचर्स दिख रहे हैं, ये जरूर फ्रैंकी और आना के होंगे। डैड, अब आ गए। अभी नहीं फ्रैंकी, मुझे ये सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट करना है ताकि मैं फ्रैंकी और आना। ओह, तुम यहाँ कैसे पहुँची? तुम दोनों इसमें से निकली कैसे? क्योंकि हम कमाल के हैं, जब हम मिलकर काम करते हैं तो कुछ ज्यादा ही कमाल करते हैं। सही कहा, चलो अब चलते हैं, मेरा मतलब मिलकर डायनोस ढूंढते हैं। ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि बड़े ड्रोन ने डायनोस को किसी तरह की स्टेसिस फील्ड में जकड़ रखा है। तुम में से कोई हेलीकॉप्टर बोट चला सकता है? हम उस ड्रोन को हवा से आसानी से गिरा पाएंगे। पर हेलीकॉप्टर बॉट उड़ नहीं सकता। मैं कुछ समझी नहीं, उस फ्लाइंग रोबोट का क्या फायदा जो उड़ ही नहीं सकता? नहीं, मेरा मतलब उड़ सकता है लेकिन इसे बस थोड़ा रिपेयर करना है। नहीं, उन्होंने सही कहा, मुझे वही करना चाहिए जो मेरा काम है, मैं जा रहा हूँ। यकीन नहीं होता,
इसमें जज्बात है? वहीं रुक जाओ कर्नल कौरी, हमने तुम्हें घेर लिया है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम सबने बढ़िया काम किया टीम। थैंक यू चीफ, इसीलिए आपने हमें प्रोग्राम किया था। भले ही मेरे पास रोबोटिक्स की डिग्री नहीं है, लेकिन मैं इतना तो समझ ही सकती हूँ कि तुम रेस्क्यू बॉट्स जो भी हो, तुम्हें इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि तुम हीरोज हो और बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। आपने बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर, आपकी हमदर्दी के लिए शुक्रिया, और हमारे परिवार में आपका स्वागत है।